देखिए, अब चंद्रशेखर रावण की आप बात कर दिए तो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत, और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, अगर उनको मान सम्मान हमसे पाना है व्यक्तिगत, तो बसपा के नीचे आके काम करें, मैं उनके साथ रहूँगा। अगर बसपा को छोड़ के कहीं जाएंगे तो मैं उनका साथ नहीं दे पाऊँगा। बाकी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, उनके साथ चलता रहेगा। दोस्तों नमस्कार, जिस तरह से आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, इस समय हम जो है एक गांव में हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है मैच खेल रहे हैं इधर ग्राउंड पे, और एक साथी हैं जो है, उनसे बात करेंगे जो 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर क्या कहते हैं, चुनाव जो है नज़दीक है, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव नज़दीक है, चुनाव जो है सभी दल के लोग अपना अपना वो छेड़ रहे हैं, और रही बात हम पार्टी को देखेंगे किस तरीके से कौन सी पार्टी जो है आ रही है और किसकी कितनी मजबूताई है, उसी आधार पे हम लोग निर्णय करेंगे जी। अच्छा, मुद्दे की बात करें तो जो है योगी सरकार ने तो बहुत वादे किए थे जी जी, 15 लाख रुपए जी, और जो है अभी बहुत सारे वादे थे, 2 करोड़ नौकरियां जी जी, तो क्या लगता है उन्होंने वादे पूरे किए हैं? उसने वादा तो किया था लेकिन वादे पर खरे नहीं उतरे, टोटल उनकी बातें जो है झूठ नज़र आती है, ये आम जनता को भी लगता है और हम ही नहीं, ये सभी जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ के विधायक विक्रमाजीत मौर्य हैं। किस पार्टी से हैं? भाजपा के हैं। तभी यहाँ जो है सारी जो मांगे आप लोगों की फेल हो जा रही हैं उनकी? सारी मांगे फेल है, आज तक मैंने नाम सुना है विक्रमाजीत मौर्य का, देखा नहीं है अभी, अभी तक मैंने देखा नहीं स्वयं। मैं एक स्टूडेंट भी रहा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पदाधिकारी भी रहा, मेरा नाम जनार्दन सिंह है और मेरा फेसबुक देखेंगे आप जनता जनार्दन सिंह के नाम से अपलोड है। मैं काफ़ी चीज़ को देखा लेकिन कोई यहाँ कोई विधायक भाजपा का हो या प्रमुख हो, कोई ने ज़्यादा अस्तित्व नहीं दिखाया अपना इस विधानसभा पापा। चुनाव के दिन भी तारीख भी घोषित हो गए हैं और भाजपा में भगदड़ मची है जी जी। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए जी, तो क्या आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी को नहीं देख रहे हैं। रही बात आने जाने की, जो लोग अपना अस्तित्व खो देते हैं, मान सम्मान खो देते हैं, वही लोग जो है पार्टियाँ चेंज करते रहते हैं। पार्टी चेंज करने का कोई लोगों का विशेष पहले तो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में थे, उसके बाद फिर भाजपा में गए, अब सपा में गए जी, जी क्या कहेंगे? सर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो अपने स्वार्थ में ही पार्टी को चेंज कर रहे हैं, उनको जितनी इज्जत बसपा ने दिया था कोई पार्टी नहीं दिया, फिर भाजपा में आ गए, भाजपा में भी उनकी इज्जत की गई, अब सपा में दोबारा फिर जा रहे हैं, सपा में जो है इस बार चेंज करके दोबारा जा रहे हैं सपा में, तो सपा में देखिए उनको किस तरीके से नज़रिया, किस तरीके से लोग लगते हैं सपा वाले, और पार्टी तो हर दल की है, पार्टी बनी हुई है, पार्टी में लोग आना जाना लगाए भी रखे हैं, देखिए कहाँ तक किसको सफलता। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई जो है पेट्रोल 100 रुपये में है, तेल जो है 180 में है, क्या देखिए? महंगाई तो चरम सीमा पे है, आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, आप कड़ू के तेल के भाव देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ की बात करें, हर चीज़ महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई दर पे दर बढ़ रही है, घट ही के नाम नहीं ले रही है जी। तो महंगाई को जो है किस सरकार में ठीक था महंगाई को लेकर? महंगाई देखिए गवर्नमेंट जो होती है सरकार हम ही आप चुनते हैं, लेकिन जो उसके मुखिया होते हैं चलाने वाले वो गंदे निकल जाते हैं। जैसे अभी भाजपा की सरकार थी, ये माननीय आदित्यनाथ योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों अपने वादे से इतने खराब निकले कि इनको जनता लाइक नहीं कर रही है। अब देखें और पार्टी को देखते हुए लोग कहाँ किस तरह। तो राशन भी फ्री कर दी है ना सरकार ने? देखिए अब आप वही बात करते हैं, तेल भी देती है, चना भी देती है, नमक भी देती है। देखिए हाँ, नमक की बात की, गल्ला फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए वही सिलेंडर 1000 रुपये के कर दिए हैं, जहाँ 400-500 लोग रुपए में भराते थे सिलेंडर को, अब वो 1000 में भरा रहे हैं। वही तेल 100 रुपये लीटर कड़ू का था, 80 रुपये में था, वही 200 में बिक रहा है। वही पेट्रोल 60-70 रुपये में बिक रहा था, आज देखिए 100-105 में बिक रहा है। चरम सीमा पे तो है ही है महंगाई। अगर पूरे पार्टी की बात की जाए, जितने सत्ता और बने हैं पार्टियाँ, तो सबसे बेटर अगर शासन सत्ता रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी के रहा है,
नहीं, बहुत लोग तो कहते हैं बहन मायावती जी जो है चुनाव के लिए निकलती नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उनकी जो भूमिका है, उनकी जो रणनीति है, वो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। मेन फ्रंट पे हैं, ये भूल है उनकी, जो लोग कहते हैं कि फील्ड में नहीं आ रही हैं या फील्ड में निकल नहीं रही हैं, उनके लोग ज़मीनी स्तर के लोग कार्य कर रहे हैं और बराबर कार्य कर रहे हैं और बराबर फील्ड में लोग लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। और रही बात जो आप गल्ला की बात किए, नमक जो नमक दे रहे हैं, क्या नमक से काम चल जाएगा देश के? हमारे नमक ऐसा दे रहे हैं उसमें प्लास्टिक का काँच है और उसमें बालू है, उस जनता को खाएगी कौन? खाएगा गरीब आदमी खाएंगे ना, जिसके पास 10 रुपये का नमक लेने के पैसा नहीं है वही तो खाएगा, और जो खाएगा बीमार होगा, जब बीमार होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, तो हॉस्पिटल में उसके पास पैसा कहाँ है लगाने का, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। आप बसपा को जो है, बसपा को समर्थन दे रहे हैं अपना? हाँ, बसपा के जिला अध्यक्ष कौन है इस समय यहाँ पे? देखिए, इस समय बाबूलाल भौरा जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और अच्छा कार्य भी करते हैं समाज के विषय में और समाज में रहते भी हैं, और सभी बसपा कार्यकर्ता लोग अच्छे ही तरीके से हैं और अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, ज़मीनी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता। कौन सा विधानसभा लगता है ये? फाफा मऊ विधानसभा लगता है सर, फाफा मऊ विधानसभा में हम खड़े हैं, थरवाई चौराहे के फील्ड पे। बहुजन समाज पार्टी वाले कभी आपके गांव में आते हैं कार्यक्रम करने के लिए या चुनावी प्रचार करने के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग जितना मेहनत करते हैं आप सोच नहीं पाएंगे, रात दिन एक कर देते हैं, दिन हो या रात हो, चाहे जितने टाइम का समय है, अगर उनको सूचना जाती है उनके कानों तक तो ज़रूर जाते हैं, इसलिए कि वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं ना, ज़मीनी स्तर से। चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार से आप बात करते हैं, चुनाव में पर डे मीटिंग होती है, लोग पर डे प्रचार में निकलते हैं, पर डे प्रचार किया जा रहा है, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। मीडिया पर तो जो है सपा और भाजपा की लहर है, बसपा दिखती ही नहीं है। आप मीडिया देखिए, वही बात मैंने कहा ना कि अमीरों मीडिया जो है, जो पैसा दिया है उसी का दिखा रही है, बाकी जो जो पैसा नहीं देगा उसको थोड़ी नहीं दिखाएंगे, उसको कहाँ से दिखाएंगे? उसको दिखा देंगे तो असलियत पता नहीं चलेगी, लोगों को पता चल जाएगा ना। इसीलिए जो है कहते हैं कि जब लोग अपने लोग जब निकलेंगे गांव समाज में, देखेंगे असली मुद्दा क्या है, असला जो है मार्केट की बात क्या है, असली रोमांचिक्स क्या है, असला जो है मुद्दे और असली। अच्छा, बहन जी को ही क्यों चुन रहे हैं, अखिलेश क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश चंद्रशेखर रावण भी हैं। देखिए, अब चंद्रशेखर रावण की आप बात कर दिए तो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत, और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, अगर उनको मान सम्मान हमसे पाना है व्यक्तिगत, तो बसपा के नीचे आके काम करें, मैं उनके साथ रहूँगा। अगर बसपा को छोड़ के कहीं जाएंगे तो मैं उनका साथ नहीं दे पाऊँगा। बाकी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान उनके साथ चलता रहेगा। जी सर, तो अखिलेश को क्यों नहीं देख रहा? हम एक क्वेश्चन, देखिए अखिलेश जी भी ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें कई कमियां हैं। देखिए, उसमें ज़्यादातर बवाल होता रहता है, दंगे होते रहते हैं, तमाम तरीके के मुद्दाएं रहते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है सही रूप से। मैंने माना है, मैं भी मानता हूं कि अखिलेश भैया ने काम किया था, मैं भी लैपटॉप पाया हूं 2012 में, मैंने इंटर पास किया था, लैपटॉप दिए थे, हमको मिला, 112 नंबर की गाड़ी आज जो चलती है उन्हीं की देन है, एम्बुलेंस जो चलती है 100 नंबर पे थी। हाँ, 100 नंबर योगी जी ने बदल दिया 112 नंबर पे, और जो भाई कार्यकाल में उसके ही चालू हुआ, लेकिन बहन जी ने तो पहले से ही अलर्ट करके रखा था जो है, लेकिन अखिलेश के कार्यकाल में चालू हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब, काम किए हैं, लेकिन हम भैया सपा को नहीं वोटिंग करेंगे। आपको लैपटॉप भी दिया है तब भी वोटिंग नहीं करेंगे? उसका कारण हमने बताया ना कि बवाल होता रहता है, न्याय नहीं मिलता है, थाने पे चले जाइए, पुलिस दरोगा साला उठता नहीं है कुर्सी छोड़ के, बैठा रहता है, ऐसा तैस जमाता है कि जना प्रधानमंत्री वही हो गया है, और वो सीधा कहता है भाई ऊपर से दबाओ। अरे किसका ऊपर से दबाओ? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो आदेश करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं ऊपर से दबाव है, मैं इस कार्य को नहीं। बहुजन समाज पार्टी में जब उनका शासन होता है तो क्या गुंडे होती है क्या? नहीं, उसमें गुंडाई नहीं होती है, उचित और अनुचित के देखते हुए जो उचित होता है उस पे जो है निर्णय लेते हैं, और सभी कार्यकर्ता या सभी पदाधिकारी या सभी पुलिस प्रशासन हो या कोई भी तरीके से हो, उस पे छानबीन हो के उचित तरीके से उनको न्याय मिलता है, उसमें गुंडाई और रंगबाजी की बात नहीं होती। बसपा के कोई पदाधिकारी या समर्थक तो नहीं?
देखिए, हम कोई ना समर्थक हैं ना तो कोई पदाधिकारी है। मैं भी पढ़ाई करा ला के स्टूडेंट, अभी मेरा पदाधिकारी नहीं है तो बसपा को क्यों चाहते हैं? देखिए, बसपा का कार्य अच्छा रहा है, जहाँ वो जिस मामले में देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए और समाज को भी सोचना चाहिए। एक ऐसा रिकॉर्ड है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम करके दिखा दिया तक किसी ने नहीं किया है। भाई कह रहे हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से काम किया अभी कोई पार्टी नहीं की है, और दिल से चाहते ना कोई पदाधिकारी हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए। जी,